नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दत्ता सेकंड स्टोर्स के एक और वीडियो में। तो आज हम कर रहे हैं दत्ता सेकंड स्टोर शॉप नंबर 2 में, जो कि मस्जिद रोड में। और आज हमारे पास आए एक नया साइकिल जिसका हम रिव्यू करने जा रहे हैं। ये है बच्चों का किड साइकिल 14 इंची साइज में, तो इसको हम रिव्यू करने जा रहे हैं। तो बच्चों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग सा वीडियो होने वाला है, और जो भी पेरेंट्स ये सोच रहे कि बच्चों के लिए एक 14 इंची साइकिल वो देना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, तो ज़रूर ये वीडियो देखिए, आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव सा वीडियो होने वाला है। लेकिन मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि सबसे कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कुछ और वीडियोस अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के, ये जो साइज़ है ये है 14 इंची साइज़। ये 3 से 5 साल के बच्चे के लिए ये बना हुआ है ये साइकिल, तो इसको हम रिव्यू करेंगे। ये जो साइकिल है ये एवरेज क्वालिटी का साइकिल है, जिसको हम ज़्यादातर चिप साइकिल्स बोलते हैं वो है। तो इसको हम रिव्यू करते देखते हैं कि क्या ये साइकिल लेना बच्चों के लिए लेना सही होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हुए ये हैंडल से, हैंडल आप देखोगे इसमें कुछ भी नहीं है, सब कुछ ऑर्डिनरी दिया हुआ है, एवरेज क्वालिटी का एकदम नॉर्मल सा हैंडल दिया हुआ है, छोटे साइज वाला हैंडल है। जो ग्रिप कवर है वो नॉर्मल सा है, क्लच जो है वो एकदम एवरेज क्वालिटी का क्लच है, ज़्यादा हल्का नहीं है, एवरेज क्वालिटी का है। जो ब्रेक केबल आ रहा है ये नॉर्मल ब्रेक केबल आ रहा है, फ्रिक्शन फ्री ब्रेक केबल नहीं आ रहा है, और इस रेट में आपको कुछ उतना ज़्यादा आप एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। जो बास्केट है वो नॉर्मल वाला बास्केट मिल रहा है। देखिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इसमें दो वेरिएंट आता है, ठीक है। तो इसमें दो वेरिएंट आता है, एक आता है आपका ये, आप देखोगे जैसे कि इसमें स्पोक और बीम लगा हुआ है, ठीक है। और एक मॉडल आपको दूसरा मिलेगा जिसमें आपको पीवीसी चक्का रहेगा, मतलब प्लास्टिक वाला चक्का। तो मेरे सामने तक है नहीं, हम लोग वो सेल नहीं करते। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपको प्लास्टिक वाला चक्का ना लेकर आप क्या कर सकते हो कि ये हमारा नॉर्मल बीम वाला चक्का आप ले सकते हो। इससे क्या होता है कि वो लास्टिक ज़्यादा करता है, ठीक है। तो पहले मैं प्राइस बोल देता हूँ, इस ये जो है ये वाला आपका कम से कम 1500 से 1600 के बजट में आपको मिल जाएगा। वो फेरी करेगा स्टेट टू स्टेट और जगह टू जगह फेरी करता है। तो ये जो है एवरेज जो इसका प्राइस है, इसका प्राइस होने वाला है 1500 से 1600 रुपये। तो 1500 से 1600 रुपये का अगर आप साइकिल लेते हो, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा मेरे हर व्यूवर्स को कि आप पीवीसी वाला चक्का ना लें, प्लास्टिक वाला चक्का ना लें। अगर आपको लेना है तो रिम वाला ही ले, ठीक है, रिम वाला ही ले। तो इससे क्या होता है कि ये लास्टिंग ज़्यादा करेगा, ठीक है। और ये जो मॉडल है ये रिम को ट्यूबलेस वाला मॉडल है, ये जो ट्यूबलेस रहता है ये काफ़ी हल्का सा ट्यूबलेस रहता है, पर इस बजट में आपको यही मिल सकता है, इससे अच्छा आपको मिल नहीं सकता। तो ये बेहतर है नो डाउट। और फिर जो फ्रेम है ये फ्रेम वाला एवरेज क्वालिटी का फ्रेम है, हल्का वाला फ्रेम है। जो चेन कवर है वो है आपका टीना वाला चेन कवर मिल रहा है, आपको जो मडगार्ड मिल रहा है वो टीना वाला मडगार्ड मिल रहा है, लोहा वाला मडगार्ड। इसमें जो है आपको सामने भी लोहा वाला मडगार्ड मिल रहा है। जो सीट है वो एवरेज क्वालिटी का एकदम हल्का वाला सीट है। जो बैकरेस्ट है वही हल्का वाला बैकरेस्ट इसमें दिया हुआ है। जो पीछे आप चले जाते हैं तो इसमें आपको मिल जाता है खरपेचा वाला कैरियर, ठीक है, विद खरपेचा स्प्रिंग। जो सपोर्ट जो सपोर्टिंग सेट है, जो सपोर्टर व्हील्स है वो हल्का वाला ही है। लेकिन जो अगर आप चीप साइकिल खरीदने जा रहे हो बाजार में, तो जो कुछ बातों का ध्यान आपको रखना है, मैं वही बातों को आपको मैं बोलूंगा, इसमें नोट कराऊंगा कि आपको ये बात अगर आप ध्यान रखते हो तो शायद आप मतलब एकदम चीप क्वालिटी लेने से बच जाओ। तो पहला जो चीज़ है वो आप इस बात का ध्यान रखिए कि ये जो चेन कवर है, आप ज़्यादातर मैं यही बोलूँगा कि आप ये जो लोहा वाला चेन कवर है वही लीजिए, प्लास्टिक वाला ना लीजिए। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है कि ये जो चेन मिल रहेगा वो कभी कभी फंस जाता है, ठीक है, मेरे हिसाब से। बाकी आपकी चॉइस के ऊपर है। जो चक्का है वो स्पोक वाला ही ले, पीवीसी वाला ना ले, स्पोक वाला ले, जिससे लास्टिंग ज़्यादा करेगा। और जो मडगार्ड है वो ज़्यादा कोशिश कीजिए, प्लास्टिक वाला भी ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप टीन आपको लोहा वाला मिल रहा है तो वो बेटर ऑप्शन है, ठीक है। तो जो सबसे मेन प्रॉब्लम आता है वो आता है कि ज़्यादातर चीप साइकिल्स में चेन गिर जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग टेस्ट करके आपको दिखाते हैं कि ये वाला जो प्रोडक्ट है ये वो टेस्ट पास करता है, ये फेल करता है, ठीक है। आपको क्या लगता है ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताएगा कि ये चेन गिरेगा कि नहीं गिरेगा, मुझे पता नहीं है। तो देखते हैं कैसा है, ठीक है। मैं इसको घुमा रहा हूँ तो अभी तक ये ठीक ही चल रहा है, थोड़ा साउंड कर रहा है, ये साउंड तो मैटर नहीं करता है ठीक साइकिल के लिए। तो मेरे हिसाब से ये जो है इसने क्वालिटी पास कर लिया है, इसमें चेन नहीं गिरा है। तो आप अगर आप चीप साइकिल, चीप कैटेगरी का साइकिल लेने जा रहे हो मार्केट में, तो ज़रूर ये जो है ये वाला आप ज़रूर चेक कर लीजिए कि ये प्रॉपर्ली जो है ये घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। ज़्यादातर में क्या होता है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सस्ता ले जाते हो उसमें क्या होता है, ये जो चेन व्हील क्रैंक ये काफ़ी हल्का होने के कारण, या फिर जो फ्री व्हील है फ्री व्हील का क्वालिटी काफ़ी लो होने के कारण, या फिर ये जो चेन है ये चेन का क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब होने के कारण क्या होता है कि ये चेन गिर जाता है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें और एक बार ज़रूर मार्केट में ऐसे घुमा के देख लीजिए अगर आप साइकिल खरीदने जा रहे हो, ठीक है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। इससे क्या होगा कि आप बच जाओगे, क्योंकि आपको भी बुरा लगेगा अगर एक बच्चा, आपका बच्चा आपने जस्ट अभी साइकिल खरीदा और उसने 10 मिनट चलाया भी नहीं और चेन बार बार गिर रहा है। तो इस बात का ध्यान रखें,
और ऐसे घुमाकर साइकिल, या फिर जो टेक्नीशियन है या फिर जो फिट कर रहा है उसको बोले कि आप अच्छे से कस लीजिए, कसने के बाद हम लोग टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही हम लोग साइकिल लेंगे। अगर ये टेस्ट सक्सेसफुली होता है तभी जाके आप साइकिल परचेस कीजिएगा, ठीक है। तो इसका प्राइस जो है मैंने आपको पहले बता दिया था, इसका प्राइस होने वाला आपका 1500 से 1600 रुपये, तो ये काफ़ी कम रेट वाला साइकिल है। और जो क्वालिटी होने वाला है, क्वालिटी अकॉर्डिंग मैं इसको रेट करना चाहूँगा 4 out of 5 क्वालिटी, इसलिए क्योंकि इसका प्राइस काफ़ी कम है। तो प्राइस जो है प्राइस के अकॉर्डिंग क्वालिटी ठीक है, और जो प्राइस होने वाला है जैसे मैंने आपको बताया कि 1500 से 1600 रुपये तक आपका रेंज है, तो प्राइस के अकॉर्डिंग इसको रेट करना चाहूँगा मैं 4 out of 5 वही। और वैल्यू मैंने के हिसाब से रेट करना चाहूँगा मैं 3.5 out of 5, क्योंकि ये सस्ता वाला साइकिल ही है तो इसमें उतना ज़्यादा रेटिंग आने वाला है नहीं। पर हाँ, इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हो तो बहुत हद तक आप बच जाओगे कुछ कुछ परेशानी से, जिससे जैसे कि चेन गिरने वाला परेशानी से। तो बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग डालते रहेंगे और मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे और सलाम दोस्तों, थैंक यू।